हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सोनी स्टेप अप क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम आपको कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपको 5 कंप्यूटर के लेक्चर हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज हम उसके बाद करेंगे 6th लेक्चर की। 6th लेक्चर के अंदर दोस्तों आज हम कंप्यूटर के सारे टाइप्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला जो भाग है वो साइज के हिसाब से, मतलब हमारे कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुई थी, कंप्यूटर का जो विकास हुआ था, उसको हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया। पहला तो उसके साइज के हिसाब से, दूसरा उसके वर्क के हिसाब से, और तीसरा उसके जनरेशन के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूँ इसके साइज के हिसाब से, तो दोस्तों पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर, दूसरा फिर इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक, PDA और पामलेट। अगर वर्क के हिसाब से बात करता हूँ तो पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर्स, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर्स, और अगर जनरेशन के हिसाब से बात करूँ तो पहली जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, और फिर चौथी जनरेशन, और फिर पांचवी जनरेशन। अब हम इन पांचों जनरेशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और इसके काम के बारे में हम अगर पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कंप्यूटर का टोटल जो विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अभी कंप्यूटर के पहला टाइप साइज के हिसाब से। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज के हिसाब से। पहला हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों, और सबसे महंगा जो कंप्यूटर होता है वो भी सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम एक एक करके सभी पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लाखों जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक साथ, लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस एक साथ हम कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही गर्म जल्दी होते हैं, इसलिए इनको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एसी की जरूरत पड़ती है। इनको एकदम कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि ये गर्म ना हो। इनके अंदर दोस्तों क्या होता है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ये जो कंप्यूटर होते हैं इनके अंदर CPU होते हैं, जो ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और एक साथ पैरेलल में से लगाए जाते हैं। तो क्योंकि जब हम इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो एक बार में एक जो CPU है वो एक इंस्ट्रक्शन को सोल्व करता है, तो ऐसे ही बहुत सारे लाखों में इसके अंदर इकट्ठे CPUs लगाए जाते हैं ताकि वो एक एक इंस्ट्रक्शन को साथ साथ सोल्व करे। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही नैनो सेकंड के अंदर ही इंस्ट्रक्शन को सोल्व करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करवा देता है। दूसरा दोस्तों, जो ये कंप्यूटर होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ये एक ही कैटेगरी के होते हैं। बस इनमें ये सबसे पावरफुल, फिर मेन फ्रेम होता है और फिर मिनी फ्रेम होता है। इनके अंदर दोस्तों इनपुट और आउटपुट के लिए हम कीबोर्ड्स यूज नहीं करते, बल्कि टर्मिनल्स यूज करते हैं। अगर इनमें कभी भी हमें इनपुट और आउटपुट देनी हो सुपर कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में और मिनी फ्रेम कंप्यूटर में, तो उसके लिए टर्मिनल्स का यूज किया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होता है इनकी स्पीड को हम फ्लॉप्स में नापते हैं। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है, तो आंसर रहेगा हमारा फ्लॉप्स में मापा जाता है। नेक्स्ट, जो हमारे प्रोसेसर होते हैं सुपर कंप्यूटर के, उनकी स्पीड को हम किसमें मापते हैं, तो उसको हम मापते हैं IPS में, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस कवर कर लेता है उसके अंदर इसकी स्पीड को मापा जाता है, उसकी क्षमता को मापा जाता है। दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, वो आप सभी को मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि परम 10,000 है, और इसे बनाया था CDEC ने। इसे किसने बनाया था, CDEC ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDEC क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब एडवांस कंप्यूटर बनाने वाली एक लैब है अपने देश की, जिसने ये बनाया था परम 10,000। और अगर मैं आज की बात करता हूं कि हमारे देश का जो आज सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, तो आज है हमारा प्रत्यूष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष है। लेकिन वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों क्रेवन, एक क्रे के नाम की एक कंपनी थी, उसने सन 1976 में इसको बनाया था, और ये पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आज की बात करता हूं, तो आज का जो सुपर कंप्यूटर है वो समित है। समित किसने बनाया है, US ने बनाया है। बहुत सारे दोस्तों को इस बात की कंफ्यूजन है कि जो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है वो तो चीन का है, जो
तिन्याई नाम से है, तिन्याई वन। लेकिन दोस्तों अभी अभी रिसेंटली सन 2018 में अमेरिका ने अपना सबसे फास्टेस्ट और सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया, इसका नाम समिट है, और आज इसे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जाता है। इसलिए याद रखना कि आज के टाइम में जो वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो समिट है। दूसरी बात करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की। दोस्तों जो मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से अलग नहीं होते हैं, बस जस्ट इससे साइज में थोड़े छोटे होते हैं। ये कंप्यूटर भी उतने ही पावरफुल है जितने कि सुपर कंप्यूटर, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये ज़्यादा पावरफुल है और ये थोड़ा उससे कम, ये थोड़ा उससे कम। तो इन कंप्यूटर को दोस्तों, जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो हमारे साइंटिफिक यूज के लिए, हमें कोई माइनिंग करनी है उन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो हमारा मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम कंप्यूटर है इसको हम मेन एज सर्वर यूज करते हैं। आपने सुना होगा गूगल, गूगल से हम कोई भी चीज़ को जब निकालते हैं तो हमें फटाक से उसका रिजल्ट निकल कर आ जाता है। तो वो आता कहाँ है, वो सारा का सारा जो डाटा का कलेक्शन है वो होता कहाँ पर है? तो डाटा का जो कलेक्शन होता है वो सारा का सारा मिनी फ्रेम और मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर, वहाँ पर उनके एज सर्वर उन्होंने लगाए हुए हैं, उनके अंदर दोस्तों ये डाटा सेव रहता है, और जैसे हम उसको सर्च करते हैं तो ये सर्वर ही होस्ट बनकर हमें उसके रिप्लाई करता है। दूसरा, इनपुट और आउटपुट के लिए मैंने पहले ही बताया कि टर्मिनल्स का यूज किया जाता है। आजकल दोस्तों आपने देखा होगा कि घरों के अंदर भी हम सभी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें हम पीसी, ये दो प्रकार के होते हैं, एक पीसी होता है और एक क्योस्क होता है, क्योस्क। वैसे क्योस्क का अगर हम मीनिंग जानना चाहें तो जैसे कोई वीटा बूथ होता है, अमूल बूथ होता है, किसी बूथ टाइप का जो सिस्टम होता है उसे हम क्योस्क बोलते हैं। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर में एक होता है पीसी और दूसरा होता है क्योस्क। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। और जो पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो हम घरों में यूज करते हैं, जो सिंगल यूजर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, जैसे कि घर में अपने पर्सनल काम के लिए जिन कंप्यूटर को हम यूज करते हैं। लेकिन क्योस्क भी ऐसे ही कंप्यूटर होते हैं, लेकिन इनको हम पर्सनली यूज करने के लिए नहीं रखे जाते, इनको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन होता है ये माइक्रो कंप्यूटर ही। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एटीएम, एटीएम मशीन के अंदर जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो होता तो हमारे कंप्यूटर के जैसा ही है, लेकिन उसे हम पर्सनल यूज के लिए नहीं रखते, उसको ग्राहक मतलब सेवा केंद्र माना जाता है जहां से हम पैसे विड्रॉइंग करते हैं। तो इसलिए जो क्योस्क होता है वो भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, लेकिन पीसी से थोड़े से भिन्न होते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है इनके विकास में हमें पेंटियम कंप्यूटर जो थे वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और जो ये कंप्यूटर है इसमें 1981 के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था 8088 नाम से। तो वो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो इन पीसी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे ज़माना बदलता गया हम थोड़े और हल्के कंप्यूटर और थोड़े सस्ते कंप्यूटर की तरफ बढ़ते गए। इसी सीरीज में जो आगे नए कंप्यूटर इसके बाद जो विकसित किए गए थे वो हमारे लैपटॉप हैं, जैसे कि मैकबुक लैप, इसको हम लैपटॉप भी बोल देते हैं, और या फिर हमारा नोटबुक। ये क्या होते हैं दोस्तों? लैपटॉप सभी ने देखे हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो फुली पोर्टेबल होते हैं या सेमी पोर्टेबल होते हैं। तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये हमारे सेमी पोर्टेबल होते हैं, लेकिन जो हमारे नोटबुक होते हैं ये फुली पोर्टेबल होते हैं। लैपटॉप को हम अपने बैग में डालकर कहीं भी लेके जा सकते हैं। दूसरा, ये हल्के और थोड़े सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर और अदर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो पीडीए, पीडीए दोस्तों कुछ भी नहीं है, मोबाइल को ही हम पीडीए बोलते हैं, जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनका एक और नाम है जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इनको हम पामलेट भी बोलते हैं। पाम आपको पता होगा हमारी हथेली को कहा जाता है, और जो हथेली पर रखकर इतना छोटे लैपटॉप या कंप्यूटर या मैं कहूँ मोबाइल ही, जिनको हम हाथ पे रखकर यूज कर सकते हैं उन्हें हम पामलेट के नाम से जानते हैं, इन्हें हम पीडीए के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आप ध्यान रखना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और इनका जो इनकी विशेषता है कि इनको हम हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इनके जो साइज के बाद हम बात करेंगे इसके वर्किंग के हिसाब से इनको हम कैसे कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके
वर्क के हिसाब से। तो कंप्यूटर दोस्तों तीन तरीके से काम करता है, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। जैसे दोस्तों एनालॉग होता है, एनालॉग में क्या होता है, ये जो कंप्यूटर होता है ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है। कौन सिग्नल्स पे काम करता है, इस ये वेव की फॉर्म में से जो काम करता है उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। इसको दोस्तों हम फिजिकल सिग्नल भी कहते हैं, फिजिकल सिग्नल भी कहते हैं। ये दोस्तों अस्पतालों में यूज किया जाता है, जैसे कि तापमान मापने के लिए, दबाव मापने के लिए, आवर्तन को मापने के लिए जिन कंप्यूटरों का यूज किया जाता है वो एनालॉग होते हैं। एक्चुअली में जो हम इसमें इनपुट करते हैं वो डायरेक्ट हमारे सीपीयू में जाता है और प्रोसेसिंग होकर जो हमें आउटपुट नजर आती है वो डायरेक्ट स्क्रीन पर लगातार नजर आती है वेव की फॉर्म में। तो दोस्तों इसका हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमारा वोल्टमीटर होता है, तो इसके अंदर जो आता है वो हमारा सिग्नल के हिसाब से आता है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है ये अपने नाम से ही पता है डिजिट, डिजिट्स मतलब ये अंकों पे काम करता है, जीरो या वन। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो दो नंबर्स पे काम करता है, जीरो और वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, ऑन ऑफ पे ये काम करता है। इनको हम बाइनरी नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम किन नंबर से भी जानते हैं, बाइनरी नंबर्स के। आजकल दोस्तों सिनेरियो में जो ज़्यादा कंप्यूटर, मोस्टली कंप्यूटर जो यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं कंप्यूटरों का यूज आजकल किया जाता है। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये इन किसका, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि हमारा एटीएम। और तीसरा अगर मैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स की दोस्तों बात करता हूं तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो इन दोनों के मिक्सचर से जो कंप्यूटर बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये दोस्तों इनके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स आते हैं और इनका जो बहुलता में जो उपयोग किया जाता है वो अस्पतालों में, कारखानों में या माइनिंग करने के लिए इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों तो हमारा जो सीटी स्कैन मशीन होती है, सीटी स्कैन मशीन होती है या जो हमारी एमआरआई मशीन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिजिट्स भी आते हैं और इनके अंदर हमें सिग्नल्स भी नजर आते हैं। इसके बाद तीसरा हम बात करेंगे इनकी जनरेशन के हिसाब से, और दोस्तों जनरेशन से एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है, इसलिए आप उसको ध्यान से, मैं इसका पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ और उसके हिसाब से आपको उसको समझा देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों के बारे में, तो मैं एक एक करके आपको डिटेल में बता देता हूं। जो हमारे कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसको हम 1946 से लेकर 1955 तक मानते हैं। दोस्तों कुछ बुक्स में से 1940 से 1955 दिखाया गया है, तो ये सभी बुक्स में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग लिखा हुआ है। हमें वैसे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इसी को कंसिडर किया जाता है हमारा फर्स्ट जनरेशन में। पहली जनरेशन जो थी उसके अंदर दोस्तों हमारे जो वैक्यूम जो मशीन है उसका, वैक्यूम जो मशीन है उसका यूज किया जाता। वैक्यूम मशीन क्या थी, वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी और बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, इसलिए क्या है कि इनको हमें ठंडे में रखने की जरूरत पड़ती थी। दूसरा दोस्तों इसके अंदर हम स्टोरेज के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते थे वो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया करते शुरू के अंदर, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी आती, एक तो हीट प्रॉब्लम आ रही थी और इसके अंदर हम स्टोरेज बहुत ही कम कर सकते थे। जो वैक्यूम कंप्यूटर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उसके अंदर हम मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया करते थे। मशीन लैंग्वेज दोस्तों हमारे लिए समझने में बहुत ही टफ होती है, हम मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, लेकिन पहले हमें इसी लैंग्वेज में, इसलिए इसमें जो दोस्तों जो प्रोग्रामिंग है उसको करना भी एक टफ थिंग हुआ करती थी। और इसके अंदर जो कंप्यूटर बने थे वो एनआईएक और एडवेक बने थे। दूसरी जनरेशन की बात करूँ तो 1955 से पहले पहले ही अपनी जो यूएस की एक लैब है बेल लेबोरेटरी, इन्होंने ट्रांजिस्टर्स की खोज कर दी थी, इसलिए इन्होंने वैक्यूम जो मशीन थी उसको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया था और दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टरों का यूज होने लग गया था। तो दोस्तों ये इनके कंपैरिजन में लेस स्थान घेरते हैं, साइज में ये छोटे होते हैं ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, तो इसलिए दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। और सेकंड जनरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसके अंदर MPOS का चलन हो गया था। MPOS होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक साथ कई प्रोग्रामिंग को करना। और दूसरा स्टोरेज के लिए इसके अंदर हमने मैग्नेटिक टेप को यूज करना शुरू कर दिया था। अब स्टोरेज यहाँ पर जो हमारी ये थी लेस स्टोरेज की जो क्षमता थी इसको हमने बढ़ाकर मैग्नेटिक टेप्स को यूज कर इसकी क्षमता को बढ़ा लिया था। जैसे जैसे हम दूसरी जनरेशन तक पहुँचे थे तो दोस्तों हमने हमारे प्रोसेसर और हमारे जो स्टोरेज है दोनों के ऊपर काम किया और दोनों को ही दुरुस्त कर लिया था। और साथ में जो हमारा MPOS है इसके भी हम
यूज करना शुरू कर दिया था। अगर मैं इसके बाद थर्ड जनरेशन की तरफ जाता हूँ तो दोस्तों यहाँ ट्रांजिस्टर की जगह फिर एक साथ बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को यूज करना, मतलब इन्होंने एक इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कर लिया था और फिर हमारा जो प्रोसेसर है वो थोड़ा और छोटा हो गया था और बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ इसके अंदर यूज होने लग गए थे। और पहले जो हम मेन स्टोरेज के लिए जिस मैग्नेटिक टेप का यूज किया करते थे, अब हम उन मैग्नेटिक टेप को हमने एज ए रैम यूज करना शुरू कर दिया था। ये हमारे तीसरे जनरेशन में आकर बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था। और दोस्तों जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क थी, जो आज के टाइम में भी हम मैग्नेटिक डिस्क को हम एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं, थोड़ा सी अगर मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी हम उन मेमोरीज को कहते हैं जो एक बार कंप्यूटर को बंद करने के बाद डिलीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है और वो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी हमारे कंप्यूटर में सेव रहती है, जैसे कि हम हमारे वीडियो, सॉन्ग्स, मूवीज इनको सेव कर रखते हैं। अगले टॉपिक पर जब हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में, तब मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊँगा। और दोस्तों थर्ड जनरेशन के अंदर मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है थर्ड का, कि यहाँ पर मल्टी शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे लोग काम कर सके, ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो गया था। और दोस्तों इसी के अंदर पीडीपी का भी हमारा जो विकसित विकास कर लिया गया था, जिसे हम प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर बोलते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड जनरेशन का। तो अगर मैं बात करूँ पहली जनरेशन की, तो हमारे लिए वैक्यूम मशीन यूज होती थी, बाद में ट्रांजिस्टर आई और उसके बाद में आईसी आई। सेकेंड जनरेशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो मल्टी प्रोग्रामिंग याद रखना है, और थर्ड जनरेशन में हमें इंपॉर्टेंट जो है वो है मल्टी टास्किंग और टाइम शेयरिंग। ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगली अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ जनरेशन की, तो वो 1975 से 1990 तक रही और इस जनरेशन के अंदर बहुत सारा काम किया गया। पहली बात तो जो आईसी थी इसको इन्होंने चेंज किया और आईसी से हम VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब दोस्तों 5000 चिप्स एक साथ हमने इसमें यूज करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोसेसर था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और दूसरा इसमें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम शुरू हो गया था। दोस्तों यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग होती थी, यहाँ पर फिर मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग एक ही कंप्यूटर पर काम करने शुरू हो गए थे। और दोस्तों जो हमारे नेटवर्क और इंटरनेट, आज जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नेटवर्क और इंटरनेट का, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेटवर्क की और फिर मैं बात करता हूँ इंटरनेट की। नेटवर्क का मतलब होता है किन्हीं भी दो डिवाइसेस को आपस में अटैच करना, किन्हीं भी दो डिवाइसों को दोस्तों आपस में अटैच करने के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम कोई भी डाटा को एक दूसरे से फ़ोन में शेयर करते हैं तो हम उसके साथ ब्लूटूथ से, वाईफाई से, या जैसे आजकल जेंडर का यूज किया जा रहा है, शेयरिट का यूज किया जा रहा है, तो उनकी सहायता से भी हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमें नेटवर्क स्थापित करना है तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे नेटवर्क के विकास के बाद दोस्तों इंटरनेट का यूज किया गया, अगर हमें हमारे से दूर ग्लोबली किसी पर्सन से जुड़ना है, उसके साथ नेटवर्क बनाना है, तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इसी जनरेशन के अंदर माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे अच्छा मूवमेंट था हमारे कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, वो था माइक्रो कंप्यूटर का लॉन्च होना, और वो हमारी फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990 के बीच में हुआ था। और फोर्थ जनरेशन से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो ये पूछा जाता है और दूसरा ये पूछा जाता है। आगे आने वाले लेक्चर में नेटवर्क और इंटरनेट ये कैसे बनते हैं, कैसे नेटवर्क को स्थापित किया जाता है, नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों सी लैंग्वेज का भी विकास हमारे फोर्थ जनरेशन में हो गया था। इसके बाद जब हम फिफ्थ जनरेशन में पहुंचे तो हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, हमने बहुत सारा विकास कर लिया था। और पहले क्या हो रहा था, हमने वैक्यूम मशीन से हम ट्रांजिस्टर बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज कर इंटीग्रेटेड चिप्स बनाई, और बहुत सारे चिप्स को यूज कर हमने VLSI बनाई। अब हमने क्या किया, 5000 से भी हमारा दायरा को हमने बढ़ाकर लाखों में किया और हमने ULSI चिप्स का निर्माण किया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का हमने यूज किया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज आया इस जनरेशन के अंदर वो था दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोड्यूस होना। जो आज हम www. किसी भी वेबसाइट से पहले लिखते हैं, उसका विकास हमारी फिफ्थ जनरेशन में माना जाता है। और फिफ्थ जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे
खतरनाक मूवमेंट जो माना गया, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की सराहना की गई वो थी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी जो फिफ्थ जनरेशन है जो आज चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जैसे कि रोबोट। रोबोट के कुछ देशों के अंदर आपने सुना भी होगा कि बहुत कई कुछ देशों में ऐसे होटल हैं जिनमें सारी की सारी जो सर्विस है वो रोबोट के द्वारा दी जाती है, तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर जो डिजिटल ब्रेन के लिए जो काम किया गया वो मतलब रोबोटिक का ही था, तो वो काम किया गया। हमारे देश में एक बहुत ही फेमस मूवी हुई है रोबोट, तो उसके अंदर हमें सारा का सारा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखने को मिलता है। तो वो तो क्या था, वो जो सारा का सारा काम हुआ है वो 1990 के बाद मतलब फिफ्थ जनरेशन में हमारा किया गया है। और इसके बाद दोस्तों, सी लैंग्वेज के अलावा जो लैंग्वेज है इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसके बाद ये जितनी भी और बाकी लैंग्वेज जो बच गई उनका विकास हमारा फिफ्थ जनरेशन में हुआ था। तो दोस्तों, ये था हमारी जनरेशंस। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषता के बारे में कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा खास बात क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के ड्रॉबैक्स क्या है। अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक और उसकी विशेषता की, तो दोस्तों कोई भी मशीन है उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। आपने वो भी रोबोट देखी होगी, उसके अंदर उसमें क्या कमियां बताई गई थी वो हम उनको समझ सकते हैं। उन्हीं कमियों को देखते हुए हम कंप्यूटर में कमियां भी समझ सकते हैं और उनके काम भी समझ सकते हैं। एक तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो होती है इसकी काम करने की गति। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बता दिया था कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और मशीन की दोस्तों जो गति होती है वो हम हमारे अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता कंप्यूटर की है वो उसकी गति और उसकी स्पीड है। दूसरी दोस्तों, इसकी जो भंडारण क्षमता होती है, कोई भी इंसान अपने दिमाग में कितनी बातों को याद रख सकता है उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है, लेकिन कंप्यूटर के याद रखने की कोई लिमिट नहीं है। उसमें जितनी स्टोरेज होगी उस तक हम उसमें कितनी भी बातें स्टोर करके रख सकते हैं, और हम एक क्लिक से उस बात को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरी इसकी जो खास बात है वो है इसकी शुद्धता और इसकी एक्यूरेसी। दोस्तों कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, क्योंकि यह एक मशीन है इसलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर हम जैसे जैसे इसको निर्देश देंगे वैसा वैसा ही ये काम करेगा। अगर हम हमारे डाटा को फिल करते वक्त कोई गलती कर देते हैं तो कंप्यूटर वो अपने आप ही उसी गलती के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देगा। तो उस वक्त दोस्तों जो गलत होगा वो कंप्यूटर नहीं, वो हमारी ह्यूमन इसके अंदर एरर होगा। दूसरा, स्वचालन। कंप्यूटर जो है इसको एक बार आपने निर्देश दे दिया कि आपको ये काम करना है तो वो कंप्यूटर लगातार वैसा काम करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसको रोक ना दिया जाए। जैसे कि दोस्तों मैं बात करता हूँ, जैसे बुनाई की कोई मशीन है या किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर कोई मशीन स्वचालित है या कंप्यूटर से जो ऑपरेट की जाती है, अगर हमने उस पर कमांड देकर हमारे किसी काम को लगा दिया तो वो कंप्यूटर लगातार उस काम को करता रहेगा। कब तक? जब तक हम उसको रोक ना दें। उसमें क्या है, इसकी एक और जो विशेषता है वो इसकी बहु उपयोगिता। कंप्यूटर जो है वो एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है, और वो काम तब तक करता रहेगा जब तक कि उसे अगले दिशा निर्देश नहीं दिए जाते हैं। तीसरा, अगली जो इसकी बात है, छठा, लास्ट इसमें जो खास बात है इसकी, वो इसकी सक्षमता। मतलब दोस्तों, जैसे मैंने कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए कोई निर्देश दिया तो वो उस काम को बिना खाए पिए, हम कहते हैं ना जैसे इंसान किसी काम को काफ़ी लंबे समय तक अगर करता रहता है तो उसे भूख भी लगती है, वो रुकता भी है, उसके मतलब कमजोरी भी आती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से वो रुके। ये गर्मी सर्दी का इसका कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर को एक विशेष, एक तो वहाँ पर डस्टिंग नहीं होनी चाहिए और दूसरा उसका जो वातावरण है वो थोड़ा इसके अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर हर कंडीशन में काम करता है चाहे कुछ भी हो, इसलिए ये कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा, इसके अलग जो इसमें कमियां पाई जाती है, सबसे पहली जो कमी पाई जाती है वो है कि ये कंप्यूटर खुद निर्णय नहीं ले सकता। मान लो हमने इसको कोई काम दे दिया, काम देने के बाद इसने उस प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ना कोई गलती कर दी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि दूसरी बार अगर आप वो सेम प्रोग्राम दोगे और सेम डाटा इसको फिल करके दोगे तो उसके अंदर अपने आप ऑटोमेशन से उसमें
गलतियों को ठीक कर देगा। यह खुद कोई भी निर्णय नहीं लेता है, हम जैसा प्रोग्रामिंग इसको बनाकर देते हैं वैसे वैसे काम करता है, इसलिए इसकी सबसे एक कमजोरी तो इसकी क्या है, ये निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर कोई दिमाग नहीं होता है। मैंने कहा इसके अंदर जो भंडारण क्षमता होती है वो एक्सेस में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। हम जैसी कमांड्स देते हैं ओनली ये वैसे ही हमारे दिशा निर्देश को पालन कर सकता है। और तीसरा जो इसके ड्रॉबैक है वो है इसमें खुद में सीखने की इसमें कोई क्षमता नहीं होती। क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर वो एक बार आग को छू लेता है तो दूसरी बार वो आग की तरफ जाने से पहले सोचता है कि पहले मैंने इस तरफ गया था तो मुझे चोट आ गई थी। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर में अगर किसी तरह का एक बार कोई फॉल्ट हो जाता है तो कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि खुद अगली बार उस फॉल्ट से बच सके, इसका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा जो कि उस मशीन को कंट्रोल कर रहा है। तो दूसरा, कंप्यूटर के अंदर सीखने की कोई भी क्षमता नहीं होती है। दोस्तों, ये था हमारे कंप्यूटर के ऊपर इसके विकास के आधार पर सारे काम। अगर मैं इसके डेवलपमेंट की बात करूं तो आज अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर भी काम चल रहा है। आगे आने वाले जनरेशन्स के अंदर क्या होता है, जब हम कंप्यूटर के डेवलपमेंट टाइम टू टाइम करते जाते हैं तो हम उसके अंदर जो खामियां होती हैं उसी को ठीक करते हैं। तो अभी कंप्यूटर की ये खामियां हैं, इनके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ बात करूँगा इसकी स्टोरेज क्षमता की, कंप्यूटर के अंदर हम कितने तरह की स्टोरेज होती है और उनको किस किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारा का सारा लेक्चर आपको समझ आया है। अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और अगर आपको मेरे लेक्चर से बेनिफिट मिल रहा है तो दोस्तों, मैं आपसे भी एक उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को रेगुलर देखते रहेंगे। धन्यवाद।